और गुरुदेव के चरण में त्रिकाल नमस्तु करते हुए बारंबार पुस्तक करते हुए हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास हो गुरु नाम की दौलत उसे कुछ कम नहीं होता। जो जो गुरुदेव के चरणों में जरा हाथ खड़े कीजिए, जिनका ध्यान रखते हैं वो हाथ चाहे ना खड़े कीजिए, जिनका ध्यान गुरु के चरणों में हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे ही गए। मेरी लगी गुरु संग
शंकरे प्रभो आदिनाथे मुनिनाथ आदि व्याधि अगे मदे मिटे तुम पद में मम मात शरण चरण है आपके तारण तरण जिहार भौदरी तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज आशीष हाथ जब से गुरु का मिला है संतोषिका कमल जीवन में खिला है निर्दा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमो मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु बोली पंचप्रेष्ठी भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की मूलनाय श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य विद्याभूषण श्री सनमत सागर जी महाराज की इतने अच्छे से जय बोल रहे हैं कि आपके मंदिर तक आवाज नहीं जा रही होगी और तो ठीक है और दीक्षा महोत्सव मनाने आए हैं बताओ प्रेमनी श्री संकल्प भूषण जी महाराज की जय धन्यवाद अभी जय गुरुदेव आप सभी ने पंडित श्री अरविंद मंगलाचरण सुना इन भावनाओं के साथ कि हे प्रभु हमारे हृदय में सदैव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ज्योति जलती रहे इन भावनाओं के साथ आपने मंगलाचरण किया और मैं समझता हूं कि आज गुरुदेव के 16वें जन्म दिवस अब आप कहेंगे साहब जन्म दिवस क्यों कहा देखिए अक्सर गुरुदेव एक बात कहा करते हैं कि जिस दिन व्यक्ति के अंतरंग के दीक्षा के भाव जाग जाएं तो समझ लो उनका जन्म हो गया हम लोग तो गृहस्थी जीव हैं मात्र माता की कुक्षी से जन्म होने के बाद ही अपने जन्म को मानते हैं लेकिन जब साधुगण जब कोई व्यक्ति इस मोह माया से दूर होकर वस्त्रों का त्याग कर देता है अपने अंतरंग में उस दिव्य ज्योति को जगा लेता है तो समझ लीजिए कि उनका जन्म उस दिन से प्रारंभ हो जाता है तो आज ऐसे ही 16वें चाहे जन्म दिवस का हो चाहे दीक्षा दिवस हम सभी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हैं कि हे गुरुदेव जिस प्रकार आपने अपने जीवन को मंगल में बना लिया वैसे ही मंगल हमारे जीवन में रहे इन शुभ भावनाओं के साथ पंडित जी ने मंगलाचरण किया मैं अब सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीर सेन जैन सुबोध जी जैन छपरौली को वे कृपया पधारें और चित्र अनावरण करें श्री वीर सेन जी जैन जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे प्रभुदेवा मेरे प्रभुदेवा जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे प्रभुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा अभी आप सभी ने मिलकर चित्र अनावरण किया इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए श्रीमान महेश जी जैन महलका से हमारे बीच उपस्थित हैं मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री महेश जी जैन महलका को वे कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन करें जोत से जोत जगाते चलो पंडित जी साहब मंत्र बोलेंगे जोत से जोत जगाते चलो मोह की निंदिया भगाते चलो मोह की निंदिया भगाते चलो गुरुवर दयालु जगाते हमें
गुरुदेव के साथ जुड़े। ओह की निंदिया भगाते चलो, काल अनंत का सोते ही बीता, अब तो आग उगा तालियां तो बजा दो भाई, सब कम से कम अनुमोदना कर दीजिए। ज्ञान दीप प्रज्वलित हो रहा है, बोले केवल ज्ञान ज्योति की जय। हाँ गाते रहो भाई, भजन गाते रहो। ठीक है बिल्कुल। चरणों में गुरुवर के बंधन मैं करता हूँ, एक बार नहीं गुरुवर सौ सौ बार करता हूँ। कौन कौन करते गुरुदेव के चरणों में वंदना, हाथ खड़े कीजिए। देखो हमारी आंटी अकेली, बाकी कोई नहीं, फिर हाथ खड़े करके ताली बजा। स्वीकार कीजिए मास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, चरणों में गुरुवर के बंधन में करता हूँ, चरणों में गुरुवर के बंधन में करता हूँ, स्वीकार कीजिए वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सारी समाज का सम्मान करें, मैं ऐसे बहुत ही सुंदर एक भक्तों का मंडल जिसको शांतिनाथ भक्त मंडल के नाम से हम सब जानते हैं, मैं उनके सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं वो एक बार ऊपर आ जाएं। ये वो युवा कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुदेव की एक बार वाणी तो कुछ काम के लिए निकले, और जो वाणी निकले हम उसको चरितार्थ करें। ऐसे चारों हमारे ये भक्त मंडल के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समाज के महानुभावों से अनुरोध कर रहा हूँ, पहले ही गुरुदेव के चरणों में सारे एक साथ मिलकर एक श्रीफल लें, एक श्रीफल के साथ चारों हाथ लगाएं और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें, और इसके पश्चात इन चारों कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारी जैन समाज और चातुर्मास समिति के जो पदाधिकारीगण, जो कार्यकर्ता, जो सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है इन चारों कार्यकर्ताओं का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उसके पश्चात ये सभी का स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का मिल स्वागत करते हैं। आइए, मैं कार्यकारिणी के सदस्य संजय जी, प्रभात जी, विनोद जी, उत्तम चंद जी, सुशील जी, पवन जी, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं एक साथ आ जाएं। हमारे चारों पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं शांतिनाथ भक्त मंडल के, इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, और उसके पश्चात जिन्होंने पुरस्कार सभी को देने हैं, ऐसे श्री आदिश्वर लाल जी जैन आजाद नगर हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं वे भी कृपया पधारें। पहले भाई राज जी के द्वारा। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, फिर आए हुए मेहमानों का दिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला चली है, सर्वप्रथम स्वागताध्यक्ष का सम्मान होता है, तो यहाँ पर स्वागताध्यक्ष का सम्मान हमारे समिति के, हमारी चातुर्मा समिति और दिगंबर जैन समाज शांति मोहल्ला के माध्यम से चारों का हो रहा है। देखिए बड़े बड़े बुजुर्ग भी आज उन युवा नौजवान साथियों का स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कि किसी भी प्रकार से ये समाज के कार्यों में अग्रणी है।
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए हुए मेहमानों का मिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन हुआ हमारे स्वागत अध्यक्ष इन चारों युवा नौजवान साथियों का। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं शांतिनाथ भक्त मंडल के चारों सदस्यों से कि अब वो स्वयं सभी का अभिनंदन करेंगे। उस सम्मान की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुरस्कार प्रदाता श्रीमान आदिश्वर लाल जी जैन आजाद नगर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज का कोई भी कार्य हो, किसी भी साधु का हो, कभी उन्होंने ये नहीं देखा, केवल पिच्छी और कमंडलू देखते हैं और सभी साधुओं के साथ लग जाते हैं। ऐसे भाई आदिश्वर लाल जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने चारों स्वागत अध्यक्ष से अनुरोध कर रहा हूं कि श्रीमान आदिश्वर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आ जाइए रमेश जी, आप मेरे पास आ जाओ और आप सामने की तरफ आ जाओ ताकि सभी का स्वागत हो, और जिसका स्वागत होगा उसके पश्चात उनके बैठने की व्यवस्था यथास्थान की गई है। माथे पे दिल पांचों आ जाए, पांचों आ जाए। अतिथि हमारे धर्म के करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, श्री आदिश्वर जैन जी का मिलकर स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करें। हमारे बीच भोजन व्यवस्था जिन्होंने बहुत ही सुंदर आज गुरुदेव के 16वें दीक्षा दिवस पर सबको प्रसाद के रूप में व्यवस्था की है, ऐसे श्री शंकर लाल जी, सुरेश चंद जी जैन चांदनी चौक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, कहाँ है भैया शंकर लाल जी, सुरेश जी, दोनों में से कोई भी किसी भी स्वागत को मैं समझता हूं, जब तक विद्वान का सम्मान नहीं होता तो ये समझो वो सभा अधूरी रहती है। क्योंकि मुझे बचपन से ही, मैं बहुत सारे संघों में रहा, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के संघ में अनेकों सालों तक रहा, और वो हमेशा एक बात कहा करती थी कि जब भी कभी सभा हो तो विद्वानों का सर्वप्रथम आदर जरूर कराना, जो हमारे मन में, जो हमारे ज्ञान को अभिवृद्धि करते हैं। तो ऐसे विद्वान के सम्मान के लिए हमारे बीच विद्वान के रूप में पंडित श्री अरविंद शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने स्वागत अध्यक्ष को कि वे सर्वप्रथम पंडित जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, श्री अरविंद जी का मिलकर हम सब स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं महिला मंडल की अध्यक्षा सोनिया जी और उनकी महामंत्री दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे मंच पर आ जाएं। एक जने को होल्ड ले लें आप साथ में, आप आ जाएं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का मिल स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का मिल स्वागत करते हैं, करते हैं। कार्य धर्म की राह पर आगे बढ़ते रहें। हमारे बीच श्री राकेश जी जैन, अंकुश जी जैन बजाज, जो बच्चों के लिए, जो जिनके अभी आप समय समय पर बहुत बढ़िया
नृत्य देखेंगे, गायन देखेंगे, उनके लिए बहुत सुंदर पुरस्कार उन्होंने लेकर आए हैं। श्री राकेश जी जैन, अंकुश जी जैन बजाज आए हुए हैं। मैं भाई मनोज जी से और जितने हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, वे भाई राकेश स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपने सभी का अभिनंदन किया, पुरस्कार ये प्राप्त कर लें। आइए वो बिटियाएं एक साथ आ जाएं। बेटा क्या मैं आमंत्रित कर रहा हूं इन छोटी छोटी बिटियाओं को जिन्होंने अपने और हमारे सभी के मंगल के लिए मंगलाचरण तैयार किया है। ये तीनों बिटियाएं हमारी समाज की बिटियाएं हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों से इन बिटियाओं का सम्मान करें। आदिश्वर लाल जी ये बिटिया साहब करिए बेटी प्रारंभ करिए। जी
अब हम नीचे ही स्टेज पर सम्मान करेंगे ताकि मंच की भी व्यवस्था बनी रहे। और हाँ देखिए, जिनका भी यहां से नाम उच्चारित होगा वे यहां से श्रीफल लेंगे। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का मिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भूषण जी, गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का।
बहुत सुंदर इस बिटिया ने निगम पार्षद श्री श्याम सुंदर जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और इस बिटिया को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सुंदर जी पधारे हैं। मैं हमारी कार्यकारिणी के मेंबर्स और जितने स्वागताध्यक्ष हैं जिन्होंने स्वागताध्यक्ष की भूमिका निभाई है, मैं उन पांचों से अनुरोध कर रहा हूं वे आए और माने श्री श्याम सुंदर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमसे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, श्री अग्रवाल जी का मिलकर स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर आप सभी ने मिलकर स्वागत किया। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार ऐसे निगम पार्षद के लिए ताली बजाइए जो सुबह उठकर आपकी सेवाओं में लग जाते हैं, और चाहे कौन आर्य का रत्न श्री दृष्टिभूषण माता जी के संग से ब्रह्मचारी नवीन भैया जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, और त्रिलोक तीर्थ से हमारे सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य मेरे भाई अशोक जी भी वहां से पधारे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से विद्वानों का सम्मान करें। और स्वागत की श्रृंखला में पंडित श्री प्रतिष्ठाचार्य श्री अशोक जी शास्त्री के स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे स्वागताध्यक्ष से कि वे कृपया पधारें और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री अशोक जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, करते हैं। हमारे बीच ब्रह्मचारी नवीन भैया जी यहाँ पधारे हैं जो कि भोलानाथ नगर में बिल्कुल यहाँ से पास ही है, वहाँ पर परम पूज्य दृष्टिभूषण माता जी का बहुत ही सुंदर चातुर्मास चल रहा है। एक बार अपनी जोरदार तालियों से पूज्य माता जी के चरणों में वंदा में निवेदित कर दीजिए, और यहाँ पर सम्मान ब्रह्मचारी श्री नवीन भैया जी का आज। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, श्री नवीन जी का मिलके हम स्वागत करते हैं। हमारे त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र से और दूसरे ब्रह्मचारी भाई जो हमारे शांति मोहल्ला के ही रहने वाले हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने भी अपने मार्ग को त्याग मार्ग पर लगाया और परम पूज्य दृष्टिभूषण माता जी के संग में है, यहाँ पर उनका स्वागत और सम्मान। हमारे बीच त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र से वहाँ के मैनेजर यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ अपने स्वागताध्यक्ष से वे भी सम्मान करें हमारे दोनों त्रिलोक तीर्थ से पधारे हुए महानुभावों का। आइए, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जोरदार तालियों से आपने अभिनंदन किया जो कि दूर दूर से आज गुरुदेव के 16वें दीक्षा दिवस पर विनयांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर ऐसे विद्वानों का तांता लगा है, साधु हमारे बीच उपस्थित हैं, माँ जिनवाणी हमारे बीच उपस्थित है, तो आज हम सभी यहाँ पर सभी का अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित श्री अरविंद जी शास्त्री को, वे कृपया पधारें और आज की सभा में
सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, पिच्छी का परिवर्तन। आप लोग पूज्य मुनि श्री संकल्प भूषण महाराज जी का दीक्षा दिवस मना रहे हैं और दीक्षा दिवस खुशी के साथ मनाया जाता है। आप लोग अपने सही सलामत बैठने का परिचय दोनों हाथ उठा कर दें। बोलो परम पूज्य मुनि श्री संकल्प भूषण जी महाराज की जय कर गुरुदेव का। अभी आप लोग पूज्य मुनि श्री का दीक्षा दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और इस दीक्षा दिवस के पावन पर्व पर पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन सर्वप्रथम हम यहाँ पर, कौन मानव ऐसा होगा जो अपने कर कमलों से आज पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन करके अपने आप को कृतार्थ करेगा। पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन कहाँ से शुरू करूँ? सुरुर 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 सुरु कहाँ से करूँ मैं बोल शुरू। सुरुर 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 सुरु कहाँ से करूँ मैं बोल शुरू। प्रिय बोली आज लगाना है पुण्य तुम्हें कमाना। सुरुर 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 5151 रुपया 5151 पूज्य मुनि श्री के दीक्षा दिवस पर पाद प्रक्षालन करने के लिए 5151। सजधज महत्वपूर्ण एक बोली होती है कि जब जिस पिच्छिका के द्वारा गुरुदेव सारे विश्व में घूमेंगे अपने वचनों के द्वारा, तो वहां पर सभी को पिच्छी गुरुदेव की लेनी ही लेनी है। उससे पूर्व हमारे बीच शादवाद युवा मंडल के बहुत छोटे छोटे बच्चे एक बहुत सुंदर आ जाए। और एक निवेदन पुनः मैं कर रहा हूं कि मंच पर जब तक नाम ना लिया जाए उस मंच की गरिमा को बनाए रखें और जब तक मंच पर कहानी
जयकारा गुरुदेव का। उनके स्वागत के लिए महिला मंडल से अनुरोध कर रहा हूं कि वे उनका स्वागत करें, कंचन माहेश्वरी जी का। और आमंत्रित कर रहा हूं स्यादवाद युवा क्लब के सभी तालियों के साथ साथ आओ आओ धीरे धीरे बढ़ते चले आओ जय भारत कह चढ़ते चले जय हो हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा है स्वर्गों से बढ़ के ये सुंदर ये नारा है मधुबन शिखर जी का अद्भुत नजारा है। ताली की आवाज आनी चाहिए बच्चे कितना अच्छा कर रहे हो सब। आओ आओ धीरे धीरे बढ़ते चले आओ जय भारत कह चढ़ते चले जय। बीच सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री अशोक जी शास्त्री बड़ा गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं वे आए और पिच्छी का परिवर्तन जो कि दीक्षा दिवस पर आज होना है उसकी बोली पंडित श्री नवीन जी और पंडित श्री अशोक जी शास्त्री और पंडित श्री अजित जी शास्त्री चेतन भी हमारे बीच पधारे हैं वो भी यहाँ आए। मैं तीनों विद्वान यहाँ पर उपस्थित है आज इस बोली को यहाँ पर ये प्रारंभ कराएंगे। मैं पंडित से अनुरोध कराऊं कि बोली प्रारंभ कराएं पिच्छी का। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आओ। देवादिदेव अजित चेतन जी अरविंद शास्त्री आएंगे बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की शासन नायक। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं और पूज्य मुनिवर जी का ये दीक्षा दिवस आप मना रहे हैं जयकारा जोर से लगाएंगे
शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्या भूषण सनमति सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संकल्प भूषण जी महाराज की, बड़े हर ऐसे कौन पुण्यशाली महानुभाव होंगे जिनके कर कमलों से ये पिछिका यहाँ प्रदान करेंगे। चलिए कहाँ से शुरू किया जाए? हाँ जी, कहाँ से शुरू किया जाए? सुरर 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 सुरू, कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू? सुरर 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 सुरू, कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू? भैया बोली आज लगाना है, पुण्य आपने कमाना। सुरर 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 सुरू, कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू? 11,111 रुपया, 11,111। कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि देश की तरक्की में अगर कोई समाज अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है तो वो जैन समाज है। जैन समाज जहाँ पे अपनी संस्कृति को भी संजोए हुए है, धर्म को भी संजोए हुए है और देश के विकास में भी निरंतर प्रयत्नशील है। तो मुझे, मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं गुरुवर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका आशीर्वाद सदा हम सब पे बना रहे, जिससे कि हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धिशीलता हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। इनका स्वागत और अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर श्री विष्णु गोयल जी, गोयल परिवार से हमारे बीच हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ पर उनका सम्मान। कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना। एक मिनट, शकरपुर जैन समाज, शकरपुर जैन समाज से जो भी पदाधिकारी गण है कृपया पधारे हैं और गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। शकरपुर Oh,
सभी का स्वागत कराया। मैं साथ ही बोलना कार्यकाल से निवेदन करूंगा और भाई विजेंद्र जी का स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं स्वागत करना चाहता है। सरूरपुर से जो भी पधारे हैं शांति मोहल्ला महिला मंडल, शांति मोहल्ला युवा मंडल और शांति मोहल्ला बालिका मंडल, भक्त मंडल, उन सब का स्वागत करना चाहता है। शांति मोहल्ला झिलमिल एंक्लेव, झिलमिल एंक्लेव जैन समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है वे भी कृपया पधारें। और राकेश जी, राजेश जी भैया आते रहो। हाँ, सरूरपुर जैन समाज से, सरूरपुर जैन समाज से जो भी यहाँ पधारे हैं उनसे भी अनुरोध है कि वे गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। झिलमिल एंक्लेव संजय जी जैन और उनके पूरी टीम वे भी कृपया पधारें। कबूल नगर जैन समाज, नवीन शाहदरा जैन समाज, शिवम एंक्लेव जैन समाज, ऋषभ विहार जैन समाज, बाहुबली एंक्लेव जैन समाज, गाजियाबाद नगर जैन समाज, जागृति एंक्लेव जैन समाज, सूरजमल विहार जैन समाज, भोलानाथ नगर जैन समाज, जितने भी जगह से बिहारी कॉलोनी जैन समाज, शंकर नगर जैन समाज, रघुवरपुरा जैन समाज, गांधीनगर जैन समाज, जितने भी पदाधिकारीगण पधारे हैं हमारे बीच, पंडित श्री सचिन जी जैन वे भी पधारे, मैं उनसे भी अनुरोध कराऊं कृपया मंच पर पधारे। श्री विमल प्रसाद जी जैन, श्री पवन जी जैन, आओ राकेश जी, राजेश जी आओ, हमारे दोनों तरफ स्वागत अध्यक्ष, देखो पांच स्वागत अध्यक्ष हैं और पांचों स्वागत अध्यक्ष जी काम में लगे हैं सबके स्वागत करने में। दो इधर आ जाओ भैया, दो स्वागत अध्यक्ष इधर आ जाओ, सभी का स्वागत करते हो, दो इधर आ जाओ, सबका स्वागत करते रहो। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए सभी का मान और सम्मान ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं स्वागत के पश्चात आमंत्रित करूंगा श्रीमती मधु जी जैन जो कि शंकर नगर से पधारी हैं और गुरुदेव के जीवन चरित्र को यहाँ पर रखेंगी। श्री प्रवीण जी जैन हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान। हाँ जो भी बात करेगी, हाँ ये महिलाओं का स्वागत भी करो भाई साहब, जो करें हाँ सभी का स्वागत करते रहे। इसके पश्चात महिला मंडल, हाँ शांति मोहल्ला, भैया एक राज भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मधुर वाणी जिनकी बिखेरी जा रही है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ एक छोटा सा भजन सुना दे, इतने सब लोगों का स्वागत हो रहा है, छोटा सा भजन कर दे। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद,
आशीर्वाद फिर सर पर रख दो गुरबर फिर सर पर रख दो गुरबर। संगीतकार थोड़ी देर के लिए शांति रहे भाई साहब। संगीतकार जी थोड़ी देर रुक जाइए। सुरगल बोर्ड होता है बालिका मंडल शांति मोहल्ला आते रहे जिनका भी नाम यहाँ पर लिया है। इधर आजा भाई रघु पूरा पहले। अरे देर तो रही एक मिनट पहले स्वागत तो हो जाए दर्शन। भैया जल्दी करो महिला मंडल और यहाँ पर स्वागत और सम्मान। देखिए गुरुदेव चाहते हैं कि जितने भी आए सभी का सम्मान होना चाहिए तो ऐसी गुरुदेव की कृपा दृष्टि रहती है सभी के ऊपर कि चाहे कुछ भी रहे लेकिन सभी का स्वागत हो। भैया पांचों स्वागताध्यक्ष एक साथ देखें। अरे हाँ। अरे माला रहने दो। ए सोनिया जी अरे कम माला के चक्कर में पहले स्वागत करो। बहुत सी पब्लिक खड़ी है छोड़ो इन बच्चों के लिए माला के चक्कर में गिफ्ट दो। हटाओ जल्दी करो वहां से खाली करो जगह फटाफट करो। और श्रीमती मधु जी जैन चले जरा भाई लेन में आओ शंकर नगर। आप मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन यहाँ पर आए और एक भजन प्रस्तुत करें श्रीमती मधु जी जैन। बोलिए शंकर भूषण जी महाराज की। जोर से बोलिए। बोलिए शंकर भूषण जी महाराज की जय। अमृत जैसी बाड़ी जिनकी हो। अमृत जैसी बाड़ी जिनकी संकल्प भूषण नाम इनको लाखों बारी प्रणाम। एक तुम्हें धनवान हो गुरुवर जिन शासन बनने की करी कामना।
Yeah.
भैया नवीन पिचिका लेके आए जल्दी आजी नवीन पिचिका गुरुदेव के हस्त कमलों में और उसके पश्चात अध्यक्ष मंत्री जी आ जाओ रूपेश जी पूरी कार्यकारिणी आ जाओ जैन समाज शांति मोहल्ला की पूरी कार्यकारिणी आ जाओ नीरज जी पंकज जी आ जाओ और हमारे स्वागत अध्यक्ष कहां है स्वागत अध्यक्ष तो यह स्वागत अध्यक्ष कहां है हमारे स्वागत अध्यक्ष ऊपर ही नहीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के बोले महावीर भगवान के आचार्य गुरुवर श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज के आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अहिंसामयी विश्व धर्म के जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अक्षर संकल्प भूषण जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का महान भावो प्रवचन का समय तो नहीं है भोजन का समय है आप लोग शायद कुछ लोग बाकी रह गए होंगे कुछ लोग पहले से आ गए होंगे तैयार हो गए देखिए ये दीक्षा दिवस आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज जी और आपके यहाँ दिल्ली में घूम करके विराग सागर महाराज जी भी गए हैं घूम करके एक व्यक्ति बहुत से एक देहात में रहने वाला और बहुत दिनों बाद सन्नरस्वट में ललितपुर में प्रवेश हुआ था मैं साथ में था मैं उस दोस्त की एक बात बता रहा हूँ आपके लिए और सन्नरस में जब ललितपुर में आए और सन 86 में विद्यासागर महाराज जी का संग आया था उस दोस्त ने वहाँ पर चौका लगाया और चौकों में सात में दिन आचार्य श्री के हार हो गए उसके चौके में मैं देखता रहा मैं साथ में था और आचार्य श्री ने क्या कहा उससे वो मैं सुन रहा था क्योंकि मित्र थे ना तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि सर्वांग सही है और जैन कुल मिला है अगर समय मिल जाए तो एक कार्य कर लेना ये उस दोस्त ने कहा मैं सुनकर के रह गया उसने वहीं पर ये संकल्प किया कि भगवान मैं अभी संकल्प करता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए करूँगा लेकिन कब करूँगा ये अभी कोई टाइम निश्चित नहीं है और सन 96 में विराग सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ उस व्यक्ति ने छह प्रतिमा के व्रत लेकर के जो आज समय यहाँ पर हो रहा है उस समय आचार्य विराग सागर जी ने कहा जिसके लिए निर्णय सागर बसनंदी जी और बसनंदी जी हो गए निर्णय सागर थे उनकी पिछी के लिए उसने नंबर लगाया तो आचार्य विराग सागर जी ने कहा कि जो कोई नियम में आगे बढ़ेगा वो पर्ची डालो उसने पर्ची दो प्रतिमा के व्रत लिए थे विद्यासागर से उसने छह प्रतिमा की व्रत लेकर के और निर्णय सागर की पिच्छी ग्रहण की
और जिस समय पिच्छी लेने के लिए वो व्यक्ति स्टेज पर पहुंचता है तो विराग सागर महाराज जी ने कहा कि एक प्रतिमा और आगे बढ़ो, सातवीं प्रतिमा। मैं साथ में था तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, महाराज श्री हम लोग बनिया लोग हैं, हमारा 6 रुपये में काम चला, हम 7 रुपये देने वाले, हम 7 नहीं लेंगे, लेकिन ये प्रतिज्ञा है कि अब बीच का स्टेशन ना ले करके और हम सीधे महाव्रतों को धारण करेंगे। मैंने उससे कहा क्या कह रहे हो भाई साहब, कैसे महाव्रतों को धारण करना कोई सहज बात है क्या? वो कहते जी समझते नहीं आप, तो देखते चलो आपको क्या परेशानी हो रही। मैं देखता रहा कि व्यक्ति कैसे आगे चलता है। 4 साल विराग सागर के साथ में रहा हूँ। इसके बाद में अचानक 10 दिन के लिए विराग सागर जी ने घर भेजा और वो आकर के दिल्ली में सन्मत सागर से मिले। मैं भी साथ में आया, मैंने कि चलो मैं भी देखूँ, और वहाँ पर आया आकर के सन्मत सागर जी से नमन शात्रा में मिलन हुआ और उसका 15 दिन में ही जो आज समय आ रहा है, इस संकल्प दिवस है। तो संकल्प दिवस का आज ये मतलब है कि आज के दिन 7 से मुनियों के ऊपर जो उत्सर्ग हो रहा था तो सब पूरी समाज ने, नगर समाज ने अपने हाथ में धागा बांधा और ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 7 से मुनियों का उपसर्ग नहीं हटेगा तब तक हम लोगों का 4 प्रकार के आहारों का त्याग है। इस चतुर्दशी को पूरा नगर उसी के ऊपर बैठा हुआ था। और जब कल उपसर्ग हट गया पूर्णमासी को तो सब लोगों ने पुनः फिर एक बंधन बांधा कि अब हमारे देश पर, हमारे देवसास गुरु पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम तन मन धन निछावर कर देंगे। ये संकल्प सूद आज बांधा वो कल बांधा था कि हम आगे के लिए भी प्रतिज्ञा करते हैं। वो अब बहन भाई के रूप में एक दूसरे की रक्षा के लिए बदल चुका है ऐसा। और जिस समय दीक्षा होती है, जब मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है इसका, और देखते देखते आचार्य श्री ने प्रतिज्ञा की कि पहले हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे कि आप पहले कपड़े उतार के कपड़े खड़े हो जाओ, जब तक सर्वांग सही नहीं होगा तब तक दीक्षा नहीं ले सकते। वो दोस्त था हमारा और वो कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गया। मैंने कि भाई साहब जरा संभल के करो, बच्चे का काम बच्चों का खाली थोड़ी है। बोले नहीं अब तो जो प्रतिज्ञा कर ली सो कर ली। और नवीन सादरा दिल्ली में 22 अगस्त थी, उस समय तिथि में परिवर्तन हो जाता है। मूल रक्षा के दिन, रक्षाबंधन के दिन और 10 बजे सवेरे ये दीक्षा का कार्यक्रम हो गया था। मैंने उससे पूछा भाई साहब तुम कपड़े उतार रहे तुम्हें कैसा लगा, ये समझ में नहीं आई। बोले क्या बताएं भाई साहब, हमारे मन की तो हो गई। दीक्षा मन की होती है क्या शरीर की होती है? दीक्षा मन की होती है क्या शरीर की होती है? दीक्षा कपड़े मन पहनता है क्या शरीर पहनता है? कपड़े कौन पहनता है? अरे पहनाए जाते हैं, निर्णय तो मन ही करता है। तो हमारे साथ में जो था वो कोई नहीं था, मनीराम हमारे साथ में थे। मनीराम जानते हैं आप, वो मनीराम के साथ में हम भी चल रहे थे। तो ये दीक्षा 22 अगस्त 2002 में नमी शाद्रा दिल्ली में ये दीक्षा हो गई थी। वो किसकी दीक्षा हुई थी वो हमें नहीं पता, आपको पता होगा। ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचता है, एक एक कदम बढ़ता है, एक एक नियम को धारण करता है। शुरू में आचार्य सुमत सागर जी महाराज जो कि विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज जी के गुरु थे, कहाँ से नियम चालू हुआ? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है। उसने कहा रात्रि भोजन का त्याग है हमारा? बोले अधूरा आए से पूरा करो। कैसे करें? बोले रात्रि का बना दिन में भी नहीं खा सकते हो आप। उसने उसी टाइम संकल्प कर लिया। बिहार करा रहे थे सुमत सागर जी का, नहीं तो कमंडल रखो, आपका चमड़े का त्याग है। नहीं चमड़े का त्याग तो नहीं, लेकिन चप्पल मंदिर में छोड़ा है, उठाएंगे नहीं हम, हमारा त्याग। नहीं तो कमंडल रखो। नहीं कमंडल तो नहीं रखेंगे यार। आगे चले, बोले तुम्हारे अनछने पानी का त्याग है। हाँ जी हम जब भी पीते पानी छान के पीते। बोले अधूरा है पूरा करो। पूरा कैसे होता है? बगैर छने पानी का कहीं भी भोजन नहीं करोगे आप। उसने सोचा घर में तो ऐसा होता ही कि छान करके बनता है, नहीं तो कमंडल रखो, शर्त लगी थी। उसने कहा कमंडल तो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, हम अनछने पानी का किसी जगह भोजन भी नहीं करेंगे। जब वो व्यक्ति घर में आया मेरे से सुना रहा था,
कह रहे तो उसने गृह मंत्री ने पूछा आज तुम सारे दिन कहाँ गए थे बताओ। महाराज जी के पास गए थे कुछ ना कुछ ले करके आए होंगे। बोले नहीं तुम्हें नहीं बताएंगे। बोले नहीं बताओगे तो काम पूरा नहीं होगा, हम सहायता तो हम ही करेंगे तुम्हारे लिए। जब उन्हें सुना कि अनशन पानी का भोजन भी नहीं करोगे, तुमने इतना अर्थ नहीं लगाया कि आप तो फिर कहीं नहीं जा सकते हैं, न ब्याह न शादी न कोई पार्टी। अरे ये तो बात सही कि तुमने इतना बड़ा अर्थ लगा लिया, इतने तो मैंने भी नहीं अर्थ नहीं लगाया। कोई बात नहीं, ले लिया सो ले लिया। और दो प्रतिमा विद्यासागर थी, छह प्रतिमा विराग सागर थी। अभी पूर्व भजन में आपने सुना होगा, उस भजन के माध्यम से उन्होंने पूरा आपके सामने व्याख्यान कर दिया है। इसलिए दीक्षा जयंती जो कोई मनाता है, हर्ष होता है उसके अंदर, उत्साह अंदर होता है, एक दिन उसका भी दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। अभी मैं देख रहा था आदिश्वर के लिए विचार चल रहा था शांति मोहल्ला में, पवन जी कह रहे थे इतनी सामग्री इतना बनवाना ये करना। कोई बात नहीं, हम पांच आदमी देख लेंगे, उनसे काम बन जाएगा। आदिश्वर जी पहुंच रहे, क्या यार तुम पांच पांच की बात करते हो, मेरी ओर से सही, इनका तो ये लक्ष्य है कि हमारा हाथ हमेशा ऊपर बना रहे। ऊपर मतलब समझे आप, देने वाले बना, लेने वाले चाहे मुनि महाराज क्यों नहीं होंगे तो हाथ तो नीचे करना ही पड़ेगा उनके लिए। जब तक इनका लक्ष्य है कि जब तक हम रहें हमारा हाथ ऊपर बना रहे। मैं सोच रहा था इनसे अगर कह दूंगे भाई साहब तुम्हारा हाथ नीचे कभी नहीं होना चाहिए क्या, तो मैं सोच रहा था मत बोलो वरना ये कह देंगे कि जब आप जैसा बनूंगा तो नीचे कर लूंगा। ऐसा होता है। आज जे भी थक गए होंगे यहाँ पर, लेन लग गई बिगर बुलाए के भी लेन लग गई, क्या करें बट रहा है यहाँ पर आकर के, फिर भी कह रहे हैं और कोई किसी के लिए बाकी रह गया हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। शांति मोहल्ला में पवन जी व्यवस्था करते रहते हैं, सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बात सब में बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगता है कि हे भगवान अगर जैसे परिणाम दीक्षा के समय रहे थे ऐसे अगर हमेशा बने रहते तो। इसलिए समझ लेना आपको जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए, आपको संयम दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, जब संयम को व्यक्ति धारण करता है तब इसकी शुरुआत होती है। ऐसे परिणाम आप भी बनाए कि हमारा भी कम है। अभी पुरानी पिच्छी किसी ने ली, तीन चार मेरे अंदर पहले से लगे हुए थे, कहाँ कहाँ की पर्ची डली थी। एक तो डली थी उत्तम नगर की, बहुत पहले से लगाता है। एक झिलमिल है इधर, उनकी भी पर्ची डारी, पिछली बार बेचारे नहीं नंबर लगा, इस साल मैंने कहा इनका लगा दूँ। एक इधर झिलमिल की लगी, एक शांति मोहल्ला की पर्ची डली, एक कृष्णा नगर की पर्ची डली, चार जगह की चार पर्ची डाली थी। किसका भाग खोले, हम ही क्यों राग देश करें, किसका नंबर लगा, जाके उत्तम नगर जा कर के पहुंची। वहां पर देखो नई पिच्छी देने का कितना प्रभाव है कि जब तक मुनि महाराज के हाथों में रहेगी, कर में रहेगी, इससे वो संयम के लिए है, जीवों की रक्षा करने के लिए है। उसे उत्साह होता है कि जो हमने एक दिया है, ये गिफ्ट कोई भी दो आप, सारे गिफ्ट छूट सकते हैं, कमंडल भी कुछ समय के लिए अलग हो सकता है, लेकिन बगैर पिच्छी के तो कदम रखते भी नहीं है। ऐसा उपकरण दिया, और पुरानी पिच्छी का भी इतना महत्व है, ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि पुरानी पिच्छी हमसे कहते हैं आप बोली से दे दो, बोली से नहीं देंगे भाई साहब, कोई भी ले जा सकता है, ये संयम का उपकरण है। आप तो नई पिच्छी देते हो, आपको प्रसन्नता होगी कि हमने एक महान संयमी के हाथ में दी है, उसका भी बड़ा महत्व है। और जिसने पुरानी पिच्छी ली है तो भाई साहब ले तो ली है आपने, कई जगह मैंने देखा है यूँ टांग देते हैं, कहीं बंद करके रख देते हैं, वो सड़ जाती, इतनी गर्मी होती है, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे बाजार में जिस समय जिसकी पर्ची खुली थी वो लेकर के नहीं गए, कमरे में टांग दी थी। कल आपसे पहले विचार करेंगे, नियम का पालन तो करेंगे लेकिन उपयोग कैसे करना है। आपको प्रतिदिन इस पिच्छी के लिए शाम के टाइम जब फुर्सत हो आप शुद्ध कपड़े पहन करके और आपके लिए चौकी पे रख करके प्रतिदिन एक माला फेरो उसके समक्ष, और ये भावना भाव कि हे भगवान बहुत दिन कब आएगा, पुरानी पिच्छी तो रेसल करने के लिए मुझे मिली है, हमें नई पिच्छी किस दिन मिलेगी। मुनि व्रत धारण करके हम जंगल में भ्रमण करेंगे, ये उच्च कोटि की भावना है। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ कि अनुभव मैंने स्वयं किया है। जिस समय निर्णय सागर महाराज जी की पिच्छी मिली थी, उन्होंने कहा था जो मेरी पिच्छी लेता है वो घर में नहीं रह सकता है। मैंने तो सोचा इन्हें वचन सिद्धि है,
दो चार बार मिल भी चुके हैं। मैंने कहा इनसे दूर रहना, बस नंजी से इन्हें वचन सिद्धि अगर कह देंगे तो समझ लो काम हो जाएगा। फिर जब दीक्षा हो गई तो निर्णय सागर ने कहा, देहरादून में मिले, बोले अरे कमाल हो गया, तुम मुनि बन गए, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आपकी पिच्छी का कमाल है, ये पुरानी पिच्छी है, रखने के लिए नहीं, उसकी साधना करने के लिए। और घर में अगर कोई भी परेशानी हो जाए आपके लिए तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, सामने वाले के लिए लगा दो, अपने शरीर से भी स्पर्श करो, क्योंकि माताजी वगैरह अपने शरीर से स्पर्श नहीं करती हैं यारिका, केवल बैठने के लिए परमार्जन करती हैं। ये पंच परमेष्टी की पिछी है, जो हमेशा शरीर से स्पर्श होती रहती है, जिसके घर में जाएगी तो उसका उपयोग स्पर्श से करें आप। उसके लिए ये नहीं कि हमारे लिए तो यूँ बात मिल गई, बस उत्साह हो गया, इसलिए उसके लिए तो आपकी वही एक दिन मुनि बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं, सभी के लिए आशीर्वाद है, छोटे बाजार से भी और जो महिलाएं आई छोटा, इनने भी पैसे प्रोग्राम किया था, सोचा था, तैयारी की थी कि हम भी एक दीक्षा का कार्यक्रम दिखाएं, लेकिन इतने कार्यक्रम यहां पर बढ़ गए थे तो थोड़ा उनने जल्दी में तैयारी नहीं करा पाई थोड़ा सा, इसलिए वैसे तैयारी तो वो कर लेते लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ बच्चों का काफ़ी देखो इसी में कितना समय लग गया, वरना दीक्षा का जिस समय उत्तम नगर में दिखाया गया था लोग बाग मान गए थे कि दीक्षा कैसी होती है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर थी, लेकिन बाकी रह गया वो उसकी चिंता की बात नहीं। मैंने पुरानी पिच्छी भी मंगा के रख ली थी, लेकिन मन कुछ बदल गया और 3 पिच्छी तो मैंने स्वयं बनाई, अभी रख करके लाया मैं यहाँ पर, छोटी छोटी बनाई थी कि इनको दे देंगे यहीं पर देखने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, संचालक महोदय पे तो ऐसी पड़ती है, वो इधर से कपड़े खींचते हैं, वो उधर से खींचता, हर कोई नहीं कर सकता है, और कोई होगा तो फेंक देगा और बाहर चला जाएगा, कहीं इधर से खींचे, कहीं इसकी भी सुनते उसके भी सुनते हैं। महिला मंडल ने यहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य किया है और बाहर से आए सबके लिए आशीर्वाद है। समय अपनी गति से चल रहा है, बोलिए महावीर भगवान की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, शोबाणी मस्तके नमे सदा देते हूँ ढोक, हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण करें, उसके पश्चात गुरुदेव की मंगलमय आरती होगी, उसके पश्चात जिन्होंने भोजन नहीं किया है उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। अब पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, उसके बाद आरती गुरुदेव की, सभी सामूहिक आरती करेंगे। हाँ, आरती श्री सुनील कुमार, नमन कुमार जी जैन, शांति मोहल्ला, वे आ जाएं विशेष रूप से, और बाकी सब मिलकर नीचे से ही करेंगे, ऊपर ना आके नीचे से कर लें। देखिए क्या होता है, मंच पर थोड़ी अव्यवस्था बन जाती है, सब धक्का मुक्की हो जाती है, सब नीचे से ही आरती की बोली सब नीचे से करेंगे, ताकि देखिए तीर्थंकर चैनल पर ये आपकी सारी कवरेज हो रही है, और यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरुदेव का प्रोग्राम जन्मदिवस का भी हुआ था, चातुर्मास का हुआ था, वो सब उस पर दिखाया जा रहा है। आप तीर्थंकर चैनल को जब खोलेंगे तो आपको उस दिन की पूरी कवरेज आप देख सकेंगे। इसी प्रकार आज की कवरेज भी शाम तक तीर्थंकर चैनल पर आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अब मंगलमय आरती, भाई राज जी से अनुरोध है कि आरती संपन्न कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। संकल्प भूषण जी महाराज आज थारी आरती उतार, संकल्प भूषण जी महाराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहार, संकल्प भूषण जी महाराज आज थारी आरती उतार। ज्ञानी ध्यानी निरी अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी निरी अभिमानी, शांति सुधारस के तुम दानी, शरण में ले लो महाराज ये अरे प्यारे प्यारे मुनिरा, ये आज थारी आरती उतारू।
सभी को महाराज जी।